आर्ट में कैसे आया क्या वो तो बोलना थोड़ा टाफ है। मैं जो स्कूल में पढ़ता था रामकृष्ण सेवाश्रम, उसमें ना वो फार्मिंग आर्ट सब कुछ सब प्रैक्टिस है। और एक साइट है डिग बॉय, वो कल्चरल एक हब है। दिग्गज जितने भी है ना, वो सिंगिंग फील्ड में हो, थिएटर पर्सनालिटी हो, पोएट हो, राइटर हो, बहुत हम ये मौका हमें मिलता था। रेवेन्यू स्टैम्प ये सबको पता है ये चीज़ क्या है, एकदम गांव के लोग और शहर सब वही एक ही जरिया था कम्युनिकेट करने का। तो मैं वही कम्युनिकेशन मुझे चाहिए था, ऐसा एक डॉक्यूमेंट्स हो जो सबके पास आराम से जा सके या पहचान सके। स्टैम्प यहीं से शुरू। गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो नेशनल हीरोज है उनको एज ए आइकॉन पोर्ट्रे करते हैं। और मेरा जो आइडिया मेनली था वो बहुत ही सटल था, एक दो चीज़ें छोटा मोटा कुछ चीज़ चेंज करने से वो किसी का लगे तो कुछ दूसरा कुछ भी सोच सकता है। नेशनल आइकॉन और आम आदमी बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैंने दांत किसी का टांग किसी का जो मिला मुझे इंटरेस्टिंग डिटेलिंग वही किया। एकदम जान पहचान नहीं है ऐसा नहीं करता हूँ, मतलब कुछ कहानी होगा उनके पीछे फिर मैं कर सकता हूँ। दिल्ली दिलवालों की सीरीज में वो पिन स्टार्ट किया मैंने, उसका सेंसेशन एक अलग है ना, जैसे प्रिक हो जाने से या करने से वो सरफेस को मुझे कहीं ख़त्म करना था, उसको क्रिएट करने के लिए मैंने नहीं किया वो, मुझे लगा इसको ख़त्म करते हैं, जो वाइट बहुत अच्छा लगता है ना। देखो मैं कुछ भी काम करता हूँ ना काफ़ी सालों से करता हूँ, बहुत टाइम लेता हूँ मैं काम करते करते, तो मैं ऐसा सामान ढूंढता हूँ जो ऑब्जेक्ट जिसके साथ मैं जी सकूँ। जैसे पत्थर में कलेक्ट करना शुरू किया 14-15 से मेरे ख्याल से, तो उसको साफ करके मैं इतना सालों से घर पे अभी भी चल रहा है वो कलेक्शन। फोटोग्राफ्स एक बहुत इजी टैक्टिस है, मतलब आइडेंटिफाई कि इस जगह से मैंने पत्थर उठाया तो डॉक्यूमेंटेशन है। तो मुझे लगा मैं पेंट से कर सकता हूँ, और फिर लगा मुझे जैसे हमारे कॉलोनी में प्रेस वाला है ना, उससे एक शेल्टर जैसे बनाते हैं, रात को रह भी लेते हैं उसमें, प्रेस भी करते हैं, सब कुछ है। और या माइग्रेंट्स जितने भी है वो लोग इसी से ही शुरू करते हैं। जैसे रात 3 बजे अगर नींद खुल गया तो स्टूडियो ऐसा कुछ है नहीं, जाके अगर पढ़ना मन नहीं हुआ तो काम करना पसंद है तो काम शुरू करता हूँ। वो एक फ्लूइड स्पेस है मेरे लिए, बाहर से जो सामान लाता हूँ ऐसे ही सामान होगा जो मैं जिसके साथ मैं रह सकता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ, मतलब सोना पढ़ना सब कुछ मेरा एक साथ।